गुड मॉर्निंग। आज हम थर्ड ईयर के लिए कंपोनेंट डिजाइन एस्टिमेशन में यूनिट 1.3 पढ़ेंगे, जिसमें मेटल के सिलेक्शन के बारे में जानेंगे। मेटल के सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट कैसे डिजाइन किया जाता है, उसके लिए कुछ फ्लो चार्ट है कि नीड सबसे पहले आवश्यकता, फिर उसके फंक्शनल स्पेसिफिकेशन का डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर कॉन्सेप्ट जनरेट किया जाता है और उसको इवेल्यूएट किया जाता है। उसमें पहला है पार्ट डिजाइन, लेआउट करेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, उसके कंस्ट्रेंट्स रखेंगे, एनालिसिस करेंगे, मेटल का सिलेक्शन करेंगे, फिर है प्रोसेस डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग मेथड सिलेक्शन करेंगे, सिस्टम लेआउट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर करेंगे, सेट करेंगे। फिर ये सब चीज़ें हमारा चयन हो गया तो फिर प्रोटोटाइप बनाएंगे, पहले मॉडल, फिर उसका चेकिंग करेंगे, अगर सही है पड़ता है तो प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। कौन कौन से बिंदुओं का पदार्थ के चयन में ध्यान रखा जाता है, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, अल्टरनेट कॉस्ट अगर हमारी सीमा से ज़्यादा जा रही है तो हमें अल्टरनेट मटेरियल के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसकी लागत तो कम है पदार्थ की, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, तो ऐसा पदार्थ भी हमें नहीं चयन करना है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना है। और साथ ही मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि पदार्थ का उपयोग कहाँ होने वाला है, उसके अनुसार उसमें मैकेनिकल गुण है या नहीं है, ये सब हमें देखते हुए पदार्थ का चयन करना चाहिए। गुण कौन कौन से होने चाहिए, उसमें सामर्थ्य होना चाहिए वो फोर्स को सहन कर सके, डक्टिलिटी होनी चाहिए विदाउट फ्रैक्चर उसमें हम टेंसाइल लोड दे सकें, हार्डनेस होनी चाहिए, स्क्रैच वियर एब्रेजन इंडेंटेशन ये सब वो सहन कर सके, टफनेस होना चाहिए उसमें कि फ्रैक्चर से पहले वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है वो टफनेस कहलाती है, रेजिलेंस कितना है अप टू द इलास्टिक लिमिट वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, और शॉक कितना रेजिस्ट कर सकता है, इम्पैक्ट लोड कितना ले सकता है, वो सब रेजिलियंस प्रॉपर्टीज में आते हैं। क्रीप में क्या होता है कि लंबे समय तक उच्च ताप के संपर्क में रहता है कोई पदार्थ, तो उसमें स्ट्रेसेस पैदा हो जाते हैं जो क्रीप कहलाते हैं। कोरोजन वायुमंडल से ऑक्सीजन से क्रिया करके पदार्थ में रस्टिंग शुरू हो जाती है, डिके शुरू हो जाता है, तो उन सब चीज़ों का पदार्थ कहाँ उपयोग में आना है उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रिटलनेस भंगुरता, लोड पड़ने पे वो टुकड़े टुकड़े होकर फैल जाए, वेल्डेबिलिटी होनी चाहिए उसमें अगर वेल्डिंग करनी है तो, मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशंस बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि एक्सपेंसिव जो पदार्थ हैं, महंगे पदार्थ हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी सस्ती पड़ती है, तो उन सब बातों को मद्देनजर रखना चाहिए। अब हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से पदार्थ हमारे लिए चैन के लिए उपलब्ध हैं, उसमें है कास्ट आयरन, अलॉय स्टील, प्लास्टिक, एल्युमिनियम अलॉय। देखते हैं क्या क्या गुण है इनमें। कास्ट आयरन है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो श्रिंकेज एंड गुड फ्लूडिटी, आसानी से बह सकता है, एंड कास्टिंग एबिलिटी। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती है, कार के पार्ट्स बनते हैं जैसे सिलेंडर हेड, ब्लॉक्स, गियर बॉक्स, केसेस, फाउंडेशन बड़ी मशीनों के बनते हैं, कुकवेयर्स बनाए जाते हैं कई बार, लो अलॉय स्टील, अलॉय स्टील में लो अलॉय, मीडियम अलॉय, हाई अलॉय, कार्बन की परसेंटेज की मात्रा के अनुसार उसको हम वर्गीकरण कर सकते हैं। लो अलॉय स्टील में
लो कार्बन, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन, अगर कार्बन की परसेंटेज 0.25 से कम है तो लो कार्बन, 0.2 से 0.6 है तो मीडियम, और हाई है तो 1.4 तक हो सकती है। और हाई अलॉय में स्टेनलेस स्टील में 11% क्रोमियम हो सकती है। लो कार्बन स्टील प्रॉपर्टीज क्या है, सस्ता होता है, इनकी वेल्डेबिलिटी अच्छी होती है, मशीनेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ऑटोमोबाइल के पैनल्स बनाए जा सकते हैं इसके द्वारा, नेल्स, वायर्स, लो टेम्परेचर प्रेशर वेसल भी बन सकते हैं। मीडियम कार्बन स्टील प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें कुछ अलॉय तत्व जैसे क्रोमियम, निकल, मोलिब्डेनम का अगर सम्मिश्रण कर दें तो हीट ट्रीटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, उच्च ताप सह क्षमता बढ़ जाती है। हीट ट्रीटमेंट इनका किया जा सकता है जो कि स्ट्रोंगर होते हैं, लेकिन साथ ही डक्टिलिटी में कुछ कमी आ जाती है। कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है, रेलवे व्हील्स एंड ट्रैक्स, गियर्स, क्रैंकशाफ्ट इत्यादि में इनका उपयोग किया जाता है। हाई कार्बन स्टील, कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है, 1.4 से 2% हो सकती है, तो वो इसको हार्डनेस प्रदान करते हैं, स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, डक्टिलिटी कम होती है। कहाँ इनको हार्ड और हार्डेंड एंड टेम्पर्ड कंडीशन में हीट ट्रीटमेंट के बाद ही यूज करना चाहिए। और एप्लीकेशंस टूल स्टील में, डाई स्टील में, और इनकी वियर प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती है, वियर रेजिस्टेंस काफ़ी होता है, हाई हार्डनेस होती है। अब आते हैं कि नॉन मेटेलिक पदार्थ कौन कौन से हैं, जिसमें प्लास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मोप्लास्टिक रेशनल कैन बी नेग्लेक्टेड, सोफन, कई तरह के कलर्स इसमें ऐड किए जा सकते हैं, सेल्फ लुब्रिकेटिंग जितने भी बियरिंग्स आजकल बन रहे हैं वो प्लास्टिक के बनते हैं, वाल्व्स, कैम्स, साइलेंट गियर्स। अब अलोह धातु में एल्युमिनियम इंपॉर्टेंट है, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी हल्की होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस होती है, फैब्रिकेशन आसान होता है, थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए आजकल कॉपर के साथ में एल्युमिनियम वायर्स भी उपलब्ध हैं, सस्ते होते हैं। एप्लीकेशन कहाँ है, इंजन सिलेंडर ब्लॉक्स बनते हैं, कास्टिंग ऑफ वाल्व बॉडी बनती है, कनेक्टिंग रॉड, फ्लाई व्हील्स, हाउसिंग, फ्लाईव्हील हाउसिंग, पिस्टन एंड सिलेंडर हेड इसके द्वारा बनाए जाते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में पदार्थ का चयन, ए शाफ्ट सब्जेक्टेड टू वेरिएबल टॉर्शनल एंड बेंडिंग लोड, टॉर्शनल और बेंडिंग लोड एक साथ आ रहे हैं तो उसमें मेटल कैसा होना चाहिए, माइल्ड स्टील सच एज निकल, निकल क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम स्टील हो सकता है, क्योंकि ये टफनेस बढ़ाता है, क्रोमियम इम्प्रूव द हार्डनेस और वियर रेजिस्टेंस बढ़ाती है, और मोलिब्डेनम जो मिलाते हैं उसकी वजह से क्रीप प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाती हैं। अगर स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व में स्प्रिंग किन पदार्थों की बनती है, स्टील की बन सकती है, ग्रेट फॉर्मेबिलिटी होती है, आसानी से फॉर्म किया जा सकता है उसको, डेंसिटी कम होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस हाई होती है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ होती है। अगर कास्ट आयरन के ये बनाते हैं तो गुड कंप्रेसिबिलिटी स्ट्रेंथ होती है, इजीली मशीनेबल होते हैं, कंप्रेसिव लोड ही लेंगे लेकिन उस समय। Then it comes to the end. Thank you. Thank you very much.